चलो अभी खुशी का घर जाने का टाइम हो गया नटो काका, लाइए लाइए लाइए। ओके बाय 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 बाय, चलो घर जाएंगे। बाय बाय बाय, वापस लाना। हाँ अरे दया, अच्छा सुन, खुशी सो रही है। हैं? क्या हो गया है तुझे? क्या? खुशी के आने के बाद तो तू मुझे भूली गई है। ऐसी बात कर रहे हैं? मुझे सब याद है। आप टप्पू के पापा हैं, बाबूजी के आगे अंकित के बेटे हैं, बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के मालिक हैं, नीटू काका और बागा भाई के सेठ जी है। ये जोक्सर, तू जानती है मैं क्या कह रहा हूँ? क्या? पहले तू कैसे मेरे साथ बैठ के प्यार भरी बातें करती थी, दुकान में दो बार फोन करती थी, अब तो तुझे मेरे लिए वक्त ही नहीं मिलता। मुझे आपके लिए वक्त नहीं मिलता। जरा याद कीजिए, सुबह उठते ही खुशी के साथ कौन खेलने लगता है, और चार बार नहाने जाओ कहने के बाद मुश्किल से नहाने कौन जाता है, और आप मुझे कहते हैं कि मैं आपका फान नहीं करती। क्यों फान नहीं करती, जरा याद कीजिए। क्योंकि आप मुझे मौका ही नहीं देते। दिन में 3 बार फान करके आप ही मुझे पूछते हैं खुशी क्या कर रही है, खुशी सो गई, खुशी जाग गई। तो कुल मिला के खुशी के आने के खुशी में आप मुझे भूल गए हैं। अहमदाबादी बहुत होशियार है तू। होशियार की बात नहीं है, पर ये सच है कि नहीं? अरे सच बात तो ये है कि खुशी को देखने के बाद नटू काका, बागा, दुकान, नफा, नुकसान कुछ याद ही नहीं रहता, सब भूल जाता हूँ मैं। खुशी है ही इतनी प्यारी, उसकी एक मुस्कान दुनिया के बाकी सारे काम भुला देती है। खुशी की तो हर बात निराली है, मैं तो माता जी का रोज आभार मानती हूँ कि उन्होंने मुझे खुशी जैसी बेटी दी। कितने दिन हो गए टप्पू के पापा, खुशी के मम्मी पापा का अभी तक कुछ पता नहीं चला है। तो तूने मेरे मन के अंदर कोई कैमरा फिट कर दिया है क्या? क्या? तुझे कैसे पता चल जाता है मेरे मन में क्या चल रहा है? मैं भी अभी यही सोच रहा था कि इतने दिन हो गए खुशी के माँ बाप का कुछ पता नहीं चल रहा है, तो अभी हमें खुशी को गोद लेने की कार्यवाही शुरू कर देनी चाहिए। फिर तो टप्पू के पापा हमेशा हमेशा के लिए हमारी बेटी बन जाएगी, और हर रात हमारे घर में मीठी लोरियां गूंजेगी, और सुबह खुशी की किलकिलाहट से भर जाएगी। आदि देव नमस्तुभ्यं प्रसिद्धं भास्कर दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्तुते। गुड मॉर्निंग बबीता जी। थैंक यू जीठा जी, पर मैं आपको गुड मॉर्निंग नहीं कहूंगी। क्यों, क्या किया मैंने? अरे आपको तो गुड मॉर्निंग कहने की जरूरत ही नहीं है। जिसके घर में खुशी जैसी बेटी हो उनका हर दिन तो अच्छा ही जाएगा ना। एकदम परफेक्ट बात की है आपने बबीता जी। कैसी है खुशी? खुश खुशहाल। शी इज वेरी क्यूट। जी करता है कि पूरा दिन बस उसी के साथ खेलते रहे। मैं बस अभी उसके साथ खेलने ही जा रहा हूँ, आइए साथ में खेलेंगे। नहीं इट्स ओके, अभी आप खेलिए, मैं उसके साथ बाद में खेलूंगी। जैसी आपकी मर्जी। ओके ओके, जाइए खेलिए। लीजिए बाबूजी। अरे अरे मारो दिख रो, अभी दादाजी के साथ खेलेगी। अभी मम्मी को थोड़ा काम है ना, तो बाद में आएगी दिख रो। चलो मजा आ गया।
अरे वाह खुशी तैयार हो गई। मुझे दीजिए ना बाबूजी। रुक रुक दो मिनट रुक, मुझे तो खेल लेने दे मेरी बेटी के साथ। खुशी जी, मुझे दीजिए ना दो मिनट। अरे 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 टप्पू टप्पू तू बीच में कहाँ घुस रहा है भाई? अरे मेरा नंबर है टप्पू। पापा पापा दो मिनट। अरे भाई मुझे देर हो रही है, मुझे दुकान जाना है टप्पू। पापा मुझे भी देर हो रही है, मुझे भी गोकी के घर जाना है। बापूजी बापूजी कुछ कहिए ना इसे। अरे खेलने दे उसे, टप्पू तू तो छोटा है, खेलने दे उसे। अरे वाह खुशी जाग गई। एक मिनट क्या काम है भाई? मैं जेठालाल, मैंने सोचा थोड़ी देर खुशी के साथ खेल लूं फिर प्रेस जाने के लिए निकलता हूँ। ठीक है बराबर है, लेकिन इधर लाइन लगी है तो आप लाइन में हो, पहले मेरा नंबर है। क्या लाइन में खड़े रहो भाई जेठालाल, कमाल करते हो। खुशी तो तुम्हारे घर पर ही है ना, तुम कभी भी खुशी के साथ खेल सकते हो। पता है मैं कितनी दूर से आ रहा हूँ? कहाँ से आ रहे हो? सी विंग से। और भाई फिर मुझे प्रेस भी जाना है, अगर अभी मौका नहीं मिला तो सीधा शाम को मौका मिलेगा और तब तक खुशी सो गई होगी। और जो भी भाई लाइन में खड़ा रहो। चाचा जी। हाँ जेठिया डिब्बा ठीक कह रहा है, पहले उसे खेल लेने दे। तो बापू जी अभी टप्पू के वक्त आपने मुझे क्या कहा कि टप्पू तुझसे छोटा है तो टप्पू को खेलने दे, तो अभी पोपटलाल से मैं छोटा हूँ तो मुझे मौका मिलना चाहिए ना। जेठालाल तुम मुझसे छोटे कैसे हुए, तुम तो शादी शुदा हो। अरे तो तुम्हारी शादी 80 साल तक नहीं होगी तो 80 साल तक तुम छोटा ही रहोगे। आप लोगों के लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। अरे नहीं नहीं अभी नहीं चाहिए, आप पोपटलाल को चाय नाश्ता कराइए, मेरी भूख तो खुशी के साथ खेल के ही मिट जाएगी। मेरा भी भर जाएगा, लाइए भाई मेहता साहब मुझे दीजिए जरा। अरे क्या दीजिए भाई, तुम बीच में घुस रहे हो। समझो बात को, दो मिनट के लिए। अरे क्या दो मिनट भाई, नहीं नहीं तुम बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे। अरे 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 आ गई भांजी, मामा के पास आ गई। मैं गोकी के घर जा रहा हूँ खेलने। हाँ ठीक है, बाय 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 खुशी, बाय दादाजी। आ गई मामा के पास खुशी। बस चलो खेल लिया, लाओ अभी इधर लाओ। अरे भाई जेठा शांति रख, खुशी डर जाएगी। कोलाहल बहुत हो रहा है। अच्छा मैं तुझ डिब्बे मुझे एक बात बताओ, ये खुशी के माँ बाप का कुछ पता चला? पुलिस स्टेशन से कोई फोन आया? नहीं चाचा जी, मैंने कल सामने से इंस्पेक्टर चालू पांडे जी को फोन करके पूछा था, लेकिन खुशी के गुमशुदा होने की कोई रिपोर्ट अभी तक किसी ने नहीं लिखवाई। बहुत दिन हो गए, खुशी के मम्मी पापा का कुछ पता नहीं चला है तो। मेहता साहब अभी हमने काफी इंतजार कर लिया, लेकिन अभी तक खुशी के माँ बाप का कुछ पता नहीं चला, तो अभी हमें खुशी को गोद लेने की कार्यवाही शुरू कर देनी चाहिए। हाँ सोचना तो चाहिए जेठालाल, लेकिन गोद लेना इतना आसान नहीं है, उसके लिए कानूनी प्रक्रिया होती है, काफी फॉर्मेलिटीज होती हैं, कुछ प्रोसीजर्स होते हैं, औपचारिकताएं पूरी करनी पड़ती हैं। तो मैं काम करता हूँ ना, मेरे एक वकील दोस्त हैं, मैं उनसे जाके मिलता हूँ और उनसे पूछता हूँ कि गोद लेने के लिए क्या क्या करना पड़ता है और उनसे सारी कार्रवाई समझ लेता हूँ और फिर तुम्हें बता देता हूँ। ठीक है। लेकिन मुझे लगता है कि हमें खुशी के माँ बाप को ढूंढने की और कोशिश करनी चाहिए, आखिर खुशी किसी और की अमानत जी। और कितनी कोशिश करेंगे चाचा जी, हमसे जो बन पड़ता था हमने सब किया, मंदिर में कागज लगा चुके हैं, पुलिस से जानकारी निकाल चुके हैं, भाई इंतजार करना था वो भी हमने कर लिया, अब और क्या करें? सो तो है। नहीं नहीं वो बराबर है, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये था कि हम कहीं जल्दबाजी तो नहीं कर रहे हैं ना। नहीं नहीं बापू जी, अभी तो सिर्फ हम लोग जानकारी ले रहे हैं, ये सब एक ही दिन में थोड़ी हो जाएगा। जैसा तुम लोग ठीक समझो। लो भाई जेठालाल। मैं जाता हूँ प्रेस, शाम को आता हूँ अपनी भांजी के साथ खेलने के लिए। पोपटलाल रुको, मैं भी चलता हूँ जेठालाल, और वकील से जैसे ही कोई जानकारी मिलती है फिर तुम्हें बताता हूँ। थैंक यू मेहता साहब, बाय खुशी। जय जय चाचा जी, बाय बाय खुशी, बाय बाय बाय। चलो 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 चलो, बाय 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 बाय। टप्पू के पापा लाइए खुशी, मुझे दीजिए, आपको दुकान जाना है ना। अरे दो मिनट खेलना तो दे भाई, अभी तो मेरे पास आई है। ठीक है, लेकिन दुकान जाते जाते अपने साथ खुशी को लेकर मत जाना, मुझे देकर जाना। हाँ हाँ भाई, हाँ हाँ तू जा जा भाई अपना काम। हाँ हाँ खुशी, पूरी गोकुलधाम सोसाइटी को पागल कर रखा है, अपने ही घर में तुझसे मिलने का मौका ही नहीं मिल रहा है।
अरे कौन आ गया अभी? फोन पे बात कर। हेलो सेठ जी, आप कहाँ हो? घर पे। खुशी के साथ खेल रहे हैं? हाँ। अच्छा अच्छा, तो आज आप दुकान नहीं आने वाले? नहीं नहीं, दुकान आने वाला हूँ भाई। तो सेठ जी, खुशी को भी साथ ले आइए ना। क्यों? वो मैं और नटू काका खुशी के साथ खेलना चाहते हैं। अरे भाई, एक बार तो खुशी को मैं दुकान ले आया ना, अभी बार बार इतने छोटे बच्चे को तकलीफ नहीं दे सकते भाई। अगर तुमको खुशी के साथ इतना ही खेलने का मन है तो दुकान के बाद यहाँ घर पे आके खेल लेना, ठीक है? ठीक है सेठ जी। हाँ चलो, मैं आता हूँ दुकान थोड़ी देर में। जी। बागा काका थे, बागा काका, उनको भी खेलना है आपके साथ। कोई मुझे आपसे शांति से खेलने नहीं दे रहे हैं। अरे भाई बैठ क्या रहा है, दुकान नहीं जाना? हाँ हाँ जाना है बापू जी, जाना है। ये लीजिए। एक मिनट एक मिनट, ये लीजिए। आ जाओ अभी, आ जाओ मेरे पास। चलो दुकान जा रहा हूँ बापू जी। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। अरे दया, मैं दुकान जा रहा हूँ। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। और खुशी को यहीं छोड़ के जा रहा हूँ। आता हूँ बापू जी। बहू, मैं थोड़ी देर में सेल करके आता हूँ। बापू जी, वो खुशी को गोद लेने की बात से आप सहमत हैं ना? हाँ हाँ बहू, हमें खुशी को गोद ले लेना चाहिए, पर ये ख्याल भी आता है कि खुशी के प्यार में हम कहीं खुशी के माँ बाप के साथ अन्याय न कर बैठे। लेकिन बहू, जेठेन अभी कहा ना कि अभी तो सिर्फ हमें जानकारी लेनी है, पर ये सब कुछ एक ही दिन में थोड़ी हो जाने वाला है। तू चिंता मत कर। किसे ढूंढ रही हैं आप? जी वो मैं मतलब किसके घर जाना है? मेरी बेटी वो जी वो मैं वो मैं डॉक्टर साहब के यहाँ दिखाने आई थी। ओ अच्छा ठीक। अरे अरे बहन जी, वहाँ कहाँ जा रहे हैं आप? डॉक्टर हाथी का क्लिनिक तो यहाँ है। पर वो मुझे कोई जरूरी काम याद आ गया, मैं अभी आती हूँ। अरे बहन जी सुनिए, अरे अरे सुनिए, अरे सुनिए तो सही बहन जी। आजकल सोसाइटी में अजीब अजीब लोग आने लगे, खुशी को संभाल के रखना होगा। अरे वाह, एकदम सही वक्त पर फोन किया है। अरे खेल रही है मेरे साथ। हाँ सुनाती हूँ, आवाज सुन। टीका, नानी का फोन आया है अहमदाबाद से। हेलो बोलो। हाँ सुना ना आवाज? हाँ एकदम मिठड़ी है। माँ तुम मानोगे नहीं, पूरी गोकुलधाम सोसाइटी में जादू कर दिया है। हाँ सब पर। हाँ अरे माँ बहुत बातें करती है मेरे साथ। हाँ
अच्छा लगता है उसे। हाँ मां, फिर मैं और सुंदर वीरा खुशी को पूरी पोल में सबके साथ मिलवाएंगे। हाँ मजा आएगा। हाँ 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 ठीक है। हाँ हाँ अरे मैं जैसे बोलू ने। हाँ चलो, हाँ मैं बाद में फोन करती हूँ। उसको खेलने के लिए एक काम करते हैं, हम लोग नीचे मिलते हैं और पता लगाते हैं कि खुशी किसके पास है। हाँ हाँ। मैं इनको भी लेकर आती हूँ साथ में। हाँ? हाँ, हाँ, हाँ। 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 नहीं, आज मेरे भाई पता नहीं खुशी कहाँ है। अरे आप टेंशन मत लीजिए देवा भाई, खुशी यहीं कहीं होगी। आप अंजलि भाई से पूछिए, हम लोग आदि भाई से पूछते हैं। हाँ। चल भाभी, क्या बात है, इतनी घबराई हुई क्यों? अंजलि भाभी, खुशी आपके घर पर है। खुशी मेरे घर पे नहीं है। पर क्यों, क्या हुआ, बात क्या है? खुशी मिल ही नहीं रही है। हाँ तो किसी के घर पे खेल रही होगी, खुशी के साथ कोई खेल रहा होगा। हाँ पर पता तो चले किसके घर पर खेल रही है। अरे आपके घर पर भी नहीं और भीड़ बहन के घर पर भी नहीं है। क्या भाभी, खुशी हमारे घर पे भी नहीं है। तो कहाँ होगी खुशी? दया भाभी चिंता मत कीजिए, गोली अभी टप्पू के साथ गोगी के घर गया है, हो सकता है खुशी वहीं पर हो। उन्हीं से पूछते हैं ना। टप्पू बेबी, गोली बेबी, गोली। हाँ मम्मी, देखो खुशी ऊपर आप लोगों के साथ है ना। खुशी हमारे साथ नहीं मम्मी, खुशी तो अपने घर पर है ना। मतलब सुन रहे हैं भाभी, क्या टेंशन है सु? अरे हमारे घर से कोई खुशी को लेके चला गया है, पता नहीं कौन लेके चला गया। ओ तेरी, खुशी को कौन ले गया, कौन लेके गया? नहीं भाभी आप चिंता मत कीजिए, खुशी मिल जाएगी। हाँ हाँ, आप सब नीचे आ जाइए प्लीज। हो सकता है बबीता जी के घर में वो खुशी। हाँ हाँ, वहाँ जाके देखते हैं। हाँ चलिए देखते हैं। बबीता, बबीता जी, बबीता जी, बबीता, नहीं तो इनफैक्ट मैं अभी आप ही के घर पे आ रही थी खुशी के साथ खेलने के लिए। बाबूजी जी, क्या हुआ वो? बाबूजी खुशी नहीं मिल रही है। मिल नहीं रही है मतलब? अरे किसी के घर पे खेल रही होगी। नहीं है चाचा जी, किसी के भी घर पे नहीं है हम में से। अरे लेकिन कोई ना कोई तो उसे लेकर गया होगा ना। हाँ। अपने आप थोड़ी जा सकती हो। सही बात है, अपने से कैसे जा सकती है वो। अरे वो कहीं डिब्बे के घर पे तो नहीं है? एक बात सुनिए, पोपटलाल घर पे नहीं है, वो काम पे गया है, मुझे जाते हुए मिला था। अच्छा बोलो। अरे माधवी सोनू कुठे? वो तो स्टेशनरी की दुकान पर ग्राफ बुक लेने गई है, लेकिन मुझे बोल कर गई है। भिंडी मास्टर टप्पू सेना मेरे साथ चलो, अब्दुल से पूछते हैं। मैं एक बार फिर से सोसाइटी में चेक कर लेता हूँ। ठीक है चलो चलो। नहीं बेटा, मिली भाभी, भाभी यहाँ कहीं पे भी नहीं है। मंदिर में भी पंडित जी ने कहा कि उन्होंने खुशी को नहीं देखा। एक काम करते हैं, सोसाइटी में जाके फिर से एक बार देखते हैं। हाँ। भाभी चलिए चलिए चलो। खुशी बेबी, खुशी और उसका खुशियों भरा चेहरा जितनी बार देखा जाए उतनी बार कम है। खुशी सभी की आंखों का तारा बन गई है, लेकिन खुशी को किसी की नजर लग गई है। खुशी गायब है, कहाँ है आखिर खुशी? हर व्यक्ति परेशान है कि खुशी आखिर गई कहाँ। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि
खुशी को कुछ नहीं होगा, लेकिन अभी सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि खुशी गई कहाँ है और खुशी किस तरह से मिलेगी, ये जानने के लिए आपको सिर्फ एक दिन का इंतजार करना होगा और देखना होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा मेरे साथ। देखते रहिए, हंसते रहिए। जब से खुशी सोसाइटी में आई है तब से एक औरत बार बार सोसाइटी में आ जा रही है। आज सुबह भी मैंने उसे देखा था, मैंने उसे कुछ पूछने की कोशिश भी की लेकिन वो बहाना बनाकर चली गई। कहीं खुशी को वो तो नहीं ले गई? मैंने भी उसको एक बार दूर से देखा है। अगर ऐसी बात है तो हमें पुलिस में कंप्लेंट करनी चाहिए। हेलो हाँ। दोस्तों, आपको तारक मेहता का उल्टा चश्मा के अपडेट सबसे पहले चाहिए ना, तो चलिए YouTube सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें।